नमस्कार, सिलाई विद लता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साड़ी को ठीक से समझ लेंगे कि कौन हमारा उल्टा साइड है और कौन हमारा सीधा साइड है, और ऊपर के साइड और नीचे के साइड को समझते हुए हम नीचे के साइड से फॉल लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है। तो यहाँ से हम नीचे के साइड से आठ नौ इंच छोड़ के हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फॉल जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की फॉल होना चाहिए। फॉल लगाते समय हम ध्यान देंगे कि ये जो उल्टा साइड है ये अंदर रहेगा और इसका सीधा साइड जो है वो बाहर रहेगा। दोस्तों, अगर फॉल आपका कॉटन का है तो सबसे पहले फॉल को अच्छे से धो के और प्रेस कर लीजिए, नहीं तो जब फॉल लगा लेंगे और बाद में साड़ी धोएंगे तो फॉल आपका सिकुड़ के और साड़ी का फिनिशिंग ख़राब कर देगा, ऊपर से पूरा ऐसा साड़ी सिकुड़ जाएगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी हम फॉल लगाने के लिए सेम कलर का धागा यूज करेंगे। तो हमने इसी कलर का धागा लिया है, वो भी दो लेयर में। अब हम फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, दो तीन तरीके से फॉल आप लगा सकते हैं। एक तो आप इधर से ऐसे करके लगा सकते हैं, लेकिन उल्टी साइड में लगाने से क्या होता है कि आपको इधर से टांका समझ में नहीं आता है कि क्यों टांका बड़ा निकल रहा है या छोटा निकल रहा है, तो इसके वजह से आपका फॉल का लुक खराब हो जाता है। तो हम इस तरीका से फॉल लगाएंगे जो बहुत ही अच्छे से निकलेगा इसका टांका छोटा छोटा। देखिए, तो हमने इस धागा को फंसा लिया और यहाँ से निकाल लिए। तो अभी हम ऊपर साइड से फॉल लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ दो बहुत छोटा सा लेना है और थोड़े दूर के बाद फिर छोटा सा निकालना है सुई को और ऐसे कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे हमारा सिलाई निकल रहा है। तो इसी तरह है, आप या चाहें तो आप एक टाका भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर से सिलाई को देखते हुए छोटे छोटे टांका निकालिए और पूरे नीचे की साइड कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि एक एक टांका आप लेंगे तो आपकी साड़ी की फिनिशिंग बहुत ही सुंदर दिखेगी और सिकुड़न बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। इसी तरह आप पूरे नीचे के लगा लीजिए। मैंने पूरे साड़ी में अभी नीचे के साइड सिलाई लगा लिया है। अभी ये सिंगल सिलाई लगाने से दोस्तों ये हमें फ़ायदा होता है कि फॉल और साड़ी एक दूसरे से चिपक जाता है और हमारी सिलाई भी बहुत छोटे छोटे ऊपर से दिखाई देता है। तो अभी नीचे के साइड पूरा अच्छे से कम्प्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे धागे को अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि सिलाई बाद में खुले नहीं। अभी नीचे का साइड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम साड़ी को उल्टा करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह उल्टा करके और फॉल को ठीक से सामने सामने ऐसे रख के हम प्रेस के से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे।
इसी तरह हम सेट करके करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। तो एक यहाँ पे हमने पिन लगा देंगे और ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे हम पिन लगा के सेट कर लेंगे। तो इसी तरह पूरे फॉल को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसा पिन नहीं है तो आप सुई धागा से भी बड़ा बड़ा टाका लगा के पूरे अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि ऊपर के साइड में जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा फॉल आगे पीछे नहीं होगा, एकदम सीधा रहेगा। इसी तरह मैंने पूरे फॉल को पिन लगा के सेट कर लिए हैं। तो इसके देखिए आप साड़ी में पिन लगाने से कितना बढ़िया ये सेट हो गया है, अब इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो पूरे साड़ी को पिन लगा के हमने सेट कर लिया है। अब हम यहाँ से तुड़पाई करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई ऊंचे चीज़ पे रख लेना है, जैसे थाली हो या इस तरह का कोई चीज़ हो, तो आप उसके ऊपर रख लीजिए ताकि आप आराम से तुड़पाई कर पाएंगे। इसी तरह ये पिन को हटाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह पूरे फॉल को हम अच्छे से तुड़पाई करके सेट कर लेंगे। अभी हमारा फॉल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये फॉल लग गया है। पीछे के साइड भी बहुत ही फिनिशिंग से लग गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।